सुशांत सिंह राजपूत मामले की वजह से बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट पहले ही सवालों के घेरे में रह चुके हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच उनकी नई फिल्म सड़क 2 भी बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में विवादों से पुराना नाता रखने वाले महेश भट्ट के नाम एक और विवाद जुड़ गया है। अब लवीना लोध नाम की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लवीना लोध खुद को महेश भट्ट का रिश्तेदार बता रही है। साथ ही उनका कहना है कि महेश भट्ट और उनके परिवार ने मिलकर न सिर्फ उनके बल्कि कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। लवीना ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी शादी महेश भट्ट के भांजे से हुई थी और उन्होंने हाल ही में उनके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है। इसी के साथ लवीना ने बताया कि महेश भट्ट का भांजा ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई करता है। अपनी बात रखते हुए लवीना ने अमायरा दस्तूर और सपना पब्बी जैसी एक्ट्रेसेस का जिक्र किया। वीडियो में लवीना कहती हैं कि ये वीडियो वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बना रही हैं। लवीना बताती हैं कि उनकी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सभरवाल से हुई थी, जिनके खिलाफ लवीना ने डिवोर्स की शिकायत दाखिल करवाई है। मेरा नाम लवीना लोध है और मैं ये वीडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सभरवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पब्बी एक्सेट्रा, और उनके फ़ोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं, और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। आगे लवीना कहती हैं कि उन्हें पता चल गया था कि सुमित अमायरा और सपना पब्बी जैसे कलाकारों को ड्रग्स सप्लाई किया करता है। उनके फ़ोन में भी लड़कियों की अलग अलग तस्वीरें होती थी जो वो दूसरे डायरेक्टर्स को दिखाता था। इसका मतलब वो लड़की भी सप्लाई करता था। यहाँ तक तो लवीना ने सुमित तक ही अपने आरोपों को सीमित रखा, लेकिन आगे उन्होंने महेश भट्ट पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन सब की जानकारी महेश भट्ट को भी थी। उन्होंने महेश भट्ट को बॉलीवुड का सबसे बड़ा डॉन बताते हुए कहा कि अगर महेश भट्ट के हिसाब से कुछ नहीं होता तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। कितने एक्टर्स निर्देशक को उन्होंने काम से निकाल दिया है, कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है, और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है। वो एक फ़ोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, ऐसे उन्होंने बहुत ज़िंदगियां बर्बाद की है। बताते चलें कि लवीना के इन आरोपों के बाद महेश भट्ट के वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने वीडियो में किए गए सभी दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वो कानूनी सलाह के आधार पर आगे का एक्शन लेने वाले हैं। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और ये क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज महेश भट्ट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। खैर, अब किसकी बातों में सच्चाई है ये तो पुलिस ही पता लगा सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है।